हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो 2022 में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होंगी। इनमें से कुछ स्मॉल सेगमेंट की बाइक हैं और कुछ हायर सेगमेंट की बाइक हैं। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इस लिस्ट में सबसे पहली बाइक है KTM RC390 का 2022 मॉडल। दोस्तों, इंटरनेशनल टूलर मार्केट में ये बाइक काफी टाइम पहले ही लॉन्च हो चुकी है और इंडियन टूलर मार्केट में ये बाइक बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, क्योंकि इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है फरवरी 2022। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 2,70,000। KTM ने इस बाइक के अंदर काफी सारी अपग्रेड्स कर दिए हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइन फ्रंट लुक भी देखने को मिलेगा, न्यूली डिजाइन पिलियन सीट और राइडर सीट भी देखने को मिलेगी, साथ ही न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी देखने को मिलेगी। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम 373cc का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 43.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 37 Nm का विद 6-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर हमें काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर प्लस और साथ में सुपर मोटो EBS भी देखने को मिलेगा। न्यू फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे और ये इस बाइक का वन ऑफ दी बेस्ट अपग्रेड है। इस बाइक के अंदर हमें न्यूली डिजाइन LED हेडलाइट देखने को मिलेगी विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स, साथ में LED DRLs भी देखने को मिलेंगे, पहले से ज्यादा स्लीक LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। RC390 का 2022 मॉडल 1.5 kg लाइटर ट्रेलिस फ्रेम पे बेस्ड है विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम। इस बाइक के अंदर वही सेम 43mm के वाइट पावर एपेक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। 320mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक, 230mm की रियर डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। सो दोस्तों, ये थी सबसे पहली बाइक KTM RC390 का 2022 मॉडल, जिसका एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 2,70,000 to 3,00,000 और ये बाइक फरवरी में ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है यामाहा MT-15। दोस्तों, यामाहा MT-15 का भी न्यू मॉडल बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाला है, क्योंकि ये बाइक मार्च के महीने में ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 1,60,000 to 1,65,000। R15 V4 के जैसे ही इस बाइक के अंदर भी हमें फ्रंट में गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स इस बाइक के अंदर वन ऑफ दी बेस्ट मेजर अपग्रेड होने वाला है और साथ ही इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट टैप वाले सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। R15 V4 के जैसे ही इस बाइक के अंदर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिलेगी और ड्यूअल चैनल ABS का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, काफी हद तक चांसेस यही है कि MT-15 के न्यू मॉडल का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल चेंज नहीं होगा। इस बाइक के अंदर हमें वही सेम फ्रंट लुक्स देखने को मिलेंगे, वही साइड लुक्स देखने को मिलेंगे और वैसे ही रियर सेक्शन भी देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर वही सेम 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18.6 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क होगा 14 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन और साथ में स्लीपर क्लच और वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी भी होगी। इस बाइक के अंदर वही सेम 282mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक होगी, 220mm की रियर डिस्क ब्रेक होगी, सिंगल चैनल ABS स्टैंडर्ड रखा जाएगा और ड्यूअल चैनल ABS का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। MT-15 के न्यू मॉडल के अंदर वही सेम प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, R15 V4 वाला न्यूली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे और R15 V4 के जैसे ही इस बाइक के अंदर भी ट्रैक और स्ट्रीट ये दो मोड्स देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये थी सेकंड बाइक यामाहा MT-15, जिसका एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 1,65,000 और ये बाइक मार्च के महीने में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में थर्ड बाइक है TVS की रेट्रोन 160। दोस्तों, TVS बहुत जल्द RTR 160 4V पे बेस्ड एक रेट्रो स्टाइल वाली मशीन इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसका एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस है 1,30,000 और ये बाइक जून या फिर जुलाई के महीने में इंडियन टूलर मार्केट में आने वाली है। ये बाइक टेस्टिंग के दौरान काफी बार स्पोर्ट हो चुकी है और जिन पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है उनके अकॉर्डिंग इस बाइक के अंदर में फ्रंट में प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और साथ में प्रीमियम LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। काफी हद तक चांसेस यही है कि इस बाइक के अंदर में रेट्रो स्टाइल वाली राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, कॉम्पैक्ट साइज सर्कुलर शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी और इस बाइक के अंदर RTR 160 4V से ज्यादा वाइडर टायर्स देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी जो कि टक एंड रोल टाइप की सीट हो सकती है
जैसी हमें यामा की FGX के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि इस बाइक के अंदर काफी कंफर्टेबल अपराइट राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर RTR 164V वाला 159.7 cc का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क होगा 14 Nm के आसपास विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। सो दोस्तों, ये थी थर्ड बाइक TVS की रेट्रॉन 160, जो जून या फिर जुलाई के महीने में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,30,000। अब हम बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। इस लिस्ट में फोर्थ बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 200R। दोस्तों, TVS भी बहुत जल्द 200cc सेगमेंट के अंदर एक्सट्रीम 200R को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,30,000 टू 1,35,000। ये बाइक भी हमें जून या फिर जुलाई के आसपास ही देखने को मिलेगी और इस बाइक के अंदर में एक्सपल्स 204V वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो 199.6 cc का एयर कूल्ड इंजन होगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19.1 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 17.35 Nm की विद 5-speed ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर में सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा और इस बाइक का डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक एक्सट्रीम 160R पे ही बेस्ड होगा। एक्सट्रीम 160R के जैसे ही इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में काफी अच्छी शार्प एग्रेसिव लुकिंग LED हेडलाइट देखने को मिलेगी। कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल होंगे और काफी हद तक चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। इस बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक एक्सट्रीम 160R के जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस बाइक के अंदर एक्सट्रीम 160R से ज्यादा वाइडर टायर्स देखने को मिलेंगे और इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें काफी डिसेंट देखने को मिलेगी और माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि 200cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक के अंदर हमें 35-40 KMPL की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। एक्सट्रीम 160R के जैसे ही एक्सट्रीम 200R के अंदर भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर एक्सट्रीम 160R के जैसे सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी और काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक भी देखने को मिलेगा और न्यूली डिजाइन साइड पैनल्स देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये थी फोर्थ बाइक हीरो की एक्सट्रीम 200R, जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,30,000 टू 1,35,000 और ये बाइक जून या फिर जुलाई के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ बाइक के बारे में। इस लिस्ट में फिफ्थ बाइक है बेनेली 600i। दोस्तों, बेनेली की तरफ से 600i एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर सुपर बाइक होगी और इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 6 lakh और ये बाइक हमें अगस्त के आसपास इंडियन टूलर मार्केट में देखने को मिलेगी। बेनेली 600i के अंदर इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 82 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 52 Nm के आसपास विद 6-speed ट्रांसमिशन। ये बाइक काफी अग्रेसिव डिजाइन और स्टाइल वाली मशीन होने वाली है, जिसके अंदर ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइक सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मशीन होने वाली है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में एडजस्टेबल अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट में 320mm की ट्विन डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और रियर में 240mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर हमें काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, ये थी फिफ्थ नंबर पे बेनेली 600i, जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 6 lakh और ये बाइक इंडियन टूलर मार्केट में अगस्त के महीने में लॉन्च होने वाली है। अब हम बात करते हैं सिक्स बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सिक्स बाइक है रॉयल एनफील्ड की SG650, जिसको हम शॉटगन 650 भी बोल सकते हैं। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को रिसेंटली ही 2021 EICMA में अनवील किया था और इस बाइक के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये बाइक एक काफी मस्कुलर लुकिंग हैवी मशीन है, जिसके अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी विद LED इंडिकेटर्स, कॉम्पैक्ट साइज सर्कुलर शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, टीयर ड्रॉप शेप मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और रियर में LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। सो रॉयल एनफील्ड की इस बाइक के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा और ये बाइक रॉयल एनफील्ड की SG650 कॉन्सेप्ट मॉडल पे ही बेस्ड होगी। इसका नाम सुपर मेटियोर 650 भी हो सकता है और शॉटगन 650 भी हो सकता है। सुपर मेटियोर 650 के अंदर फ्रंट में प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन होंगे, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि इसके अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा और इंटरसेप्टर 650 वाला 650cc का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 47.6 PS के आसपास
और मैक्सिमम टॉर्क होगा 52 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 3,50,000 to 4,00,000। और ये बाइक 2022 के मिड तक इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सो दोस्तों, ये थी 6 नंबर पे रॉयल एनफील्ड की SG650 शॉटगन 650, या फिर इस बाइक का नाम सुपर मीटियोर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं 7th बाइक के बारे में। इस लिस्ट में 7th नंबर पे दो बाइक्स हैं जो हैं बेनली 302S और बेनली 302R। इन दोनों बाइक्स का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 3,30,000 to 3,60,000। और ये दोनों बाइक्स अप्रैल 2022 में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली हैं। बेनली की तरफ से 302R एक टिपिकल फुल्ली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, जिसके अंदर काफी अच्छा एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलेगा। और बेनली की तरफ से 302S एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। ये दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों बाइक्स के अंदर हमें ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा। बेनली 302R के अंदर न्यूली डिजाइंड फ्रंट लुक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट है विद LED इंडिकेटर्स। दोनों बाइक्स के अंदर न्यूली डिजाइंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा। दोनों बाइक्स के अंदर 41mm के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स देखने को मिलेंगे। रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इन दोनों बाइक्स के अंदर 300cc का इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 39 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 27 Nm के आसपास विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। सो दोस्तों, ये थी 7 नंबर पे बेनली 302R और बेनली 302S। ये दोनों बाइक्स अप्रैल 2022 में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिनका एक्सशोरूम प्राइस हमें 3,00,000 से लेके 4,00,000 के बीच में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये थी टॉप 7 बेस्ट अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2022 में लॉन्च होने वाली हैं। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी बाइक का वेट कर रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।